नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स, और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 21 में, यानी 21वें अध्याय में। एक्चुअली दोस्तों, जो पिछला 19वां अध्याय चला था टेक्स्ट टूल का, जो 19वां फर्स्ट था और 19वां सेकंड था, उनको मैंने एक ही अध्याय में रखा है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इसलिए डाला हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही टूल्स के बारे में मैंने दो वीडियो में बताया था, क्योंकि एक में पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने वहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल के बारे में बताया था, जब 20वां अध्याय ना उसमें भी टेक्स्ट टूल के बारे में बताया, लेकिन फिर वो वर्टिकली मास्ट टूल आ चुका था, इसलिए हॉरिजॉन्टल को मैंने एक ही अध्याय में रखा, 19वें में, फिर 20वें में रखा। तो चलिए आज जो टूल्स है उनके बारे में सीख लेते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने आपको पेन टूल के बारे में बताया था, यहाँ पर आप देखेंगे पेन टूल के बारे में जब बताया था, तो एक्चुअली जो ये नेक्स्ट टूल है पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इनका यूज बीच बीच में हम ऑटोमेटिक करते चलेंगे, तो आपको वहां से पता लग जाएगा क्या यूज होता है, लेकिन बेसिकली इनका यूज क्या है थोड़ा सा बेसिक में आपको बता देता हूँ। तो पाथ सिलेक्शन टूल से आप डायरेक्ट नाम सुन रहे होंगे, पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल मतलब आपके पेन पाथ क्या होता है, पेन टूल के द्वारा जो पाथ सिलेक्ट किया होता है उसे पाथ कहते हैं। ये जो बना हुआ है ये देखिए, यहाँ पर कोई पेन टूल के द्वारा इसे हटा दीजिए वर्ग, तो यहाँ पर देखिए पाथ, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, ये देखिए ये जो पाथ सिलेक्ट है, इसको जो है सिलेक्ट करने के लिए पाथ सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए इस तरह से ये जो पाथ बना जाता है उसको सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है पाथ सिलेक्शन टूल का, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए इस तरह से किया जाता है। इनका जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसका तो बीच बीच में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो मैं आपको बताता रहूंगा। और पाथ सिलेक्शन टूल का पाथ के लिए स्पेशली किया जाता है पेन टूल में, वहां पर थोड़ा सा बताने में भूल गया था, क्योंकि उस समय वीडियो बहुत लंबा चला गया था इसलिए। तो ये तो हो गया पाथ, और उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल आज हम सीखेंगे तो वो था ये जो नेक्स्ट टूल आ रहा है, रेक्टेंगल टूल और ए राउंडेड टूल, और जो ये इलोसिप टूल्स, ये जो इसके प्रॉपर्टीज में जो सारे के सारे टूल्स आ रहे हैं उनको हम इस बारे में सीखेंगे, जो सारे के सारे टूल्स हैं उनके बारे में हम सीखेंगे आज। तो चलिए सीख लेते हैं इनके बारे में। तो इनको सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल टूल है उसको समझने के लिए सबसे पहले इसको कट कर दीजिए यहाँ से, और न्यू फाइल हम ओपन कर लेते हैं कंट्रोल एन प्रेस करके। देखिए इसको समझने के लिए इस तरह से कंट्रोल एन फाइल, तो सबसे पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर देते हैं। रेक्टेंगल टूल देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये जो रेक्टेंगल मार्क टूल है, मार्क टूल के बारे में मैंने जब आपको बताया था तो तब आपने देखा होगा कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज, तो वो प्रॉपर्टीज एक बार फिर से देखिए, क्योंकि लगभग सेम इनकी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले मैं इसे रेक्टेंगल टूल को एक बार के ये देख लेता हूँ, क्या यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्ट करना हो, उसके बाद कोई भी पाथ इस तरह से आप देखिए, कोई भी मतलब एरिया सिलेक्शन कर लीजिए। एरिया जैसे सिलेक्शन करेंगे तो जो यहाँ पर फोर बैकग्राउंड में जो कलर होगा यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, वो इस तरह से कलर हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे आपकी जब आप इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो यहाँ से आप इसको जो है सेटिंग्स को मैनेज वगैरह कर सकते हैं, मतलब कोई भी और इसमें जो ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से लोड करके कर सकते हैं। तो यहाँ से जो और भी है वो जो है यहाँ से अपेंड करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये तो वो पुराने वाली सेटिंग जो मैंने कई टूल्स के बारे में बताई थी। और अब जो नेक्स्ट टूल आ रहा है, देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ रेक्टेंगल टूल, यहाँ पर तो ये तो सिलेक्टर जो सिलेक्ट टूल यहाँ पर होता है वो यहाँ पर शो करता है एक्चुअली, ये तो वहीं बाहर आ गया। उसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड आप इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी, एक्चुअली इसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टीज आ रही है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ क्या होता है इनका यूजेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आ रही है वही प्रॉपर्टीज है मैंने रेक्टेंगल टूल्स में बताई थी। तो रेक्टेंगल टूल्स में क्या होता था वही सेम की सेम प्रॉपर्टीज है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आप एक बार के लिए इस स्टाइल वाले पर चले आइए। सबसे पहले यहाँ से आप कोई भी कलर दे दीजिए, कोई भी कलर जैसे मान लीजिए ब्लू हम ले लेते हैं, और यहाँ से अब आप जैसे जो सिलेक्ट करेंगे ना एरिया उसमें ब्लू कलर हो जाएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से आप एक बेहतर डिजाइन भी बना सकते हैं डबल कलर करके इस तरह से। तो इस तरह से आपके लिए फ्रेम भी अच्छी खासी तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन फ्रेम की जो अलग कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जैसे स्टाइल में ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारे स्टाइल्स आपके सामने, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से बनकर आएगी, इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से बनकर आएगी, इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से बनकर आएगी, इस तरह से बनकर आएगी, इस तरह से देखिए नन पर क्लिक करता हूँ तो जो आपका कलर सिलेक्टेड होगा वही होगा। एक बार के लिए हम इसे कंट्रोल एल डिलीट करते हैं और शुरुआत वाले लेयर पर चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से हम।
इस लेयर को डिलीट करते हैं, एंटर करते हैं, डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, और इसको भी डिलीट कर देते हैं और रिलीज कर देते हैं, और वापस सिलेक्ट करके इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखिए ब्लू कलर आएगा क्योंकि सिलेक्ट ब्लू है, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नन का है, और सेकेंड ऑप्शन पर देखिए आप क्लिक कीजिए तो आप इसमें देखोगे जो इसकी जो इसका बॉर्डर है उसके चारों तरफ भी थोड़ा बहुत जो है बॉर्डर आ रहा है, आप थोड़ा उभरा हुआ जो है फील हो रहा है। और यहाँ से देखिए बेहतरीन एक स्टाइल आपके सामने आ रही है, जो मून वगैरह है, जो चांद वगैरह या फिर जो प्लेनेट्स वगैरह है उनको थोड़ा इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ से नेक्स्ट स्टाइल यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए पैटर्न जो भी आप इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ से यदि आपके पास पूरे शो थंबनेल दिखाने दे, सबसे पहले आप यहाँ पर लार्ज थंबनेल कर लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे इनके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और यहाँ से जो कि पहले वाले जो ऊपर मैंने ग्रेडियंट टूल वगैरह बताए थे उनमें से मैंने बताया था कि पैटर्न कैसे डालते हैं कम है, तो यहाँ से कोई भी स्टाइल्स के देख लीजिए। मान लीजिए मैं बटन्स पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अपेंड पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने जब आप इसे नीचे ड्रॉ करोगे तो इसे थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए चाहे तो इस तरह से देखिए। तो इस तरह से देखिए और वाले जो फ्रेम्स थे वो ऐड हो चुके हैं इसमें, और इस तरह से आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट इस ये डाल रहा है। इस तरह से इसके 3D डिजाइनिंग के रूप में भी बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है, और बाकी के जो 3D में जब हम चलेंगे वहाँ पर मैं आपको और बता दूंगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टाइल के बारे में, यह तो स्टाइल की बातें हो गई, और उसके बाद में जो यहाँ पर सॉरी कलर वाला मैंने बता दिया, उसके बाद में यहाँ वाली जो प्रॉपर्टीज है ये जो ऊपर वाले आपको टूल्स दिखा रहे हैं ये वही टूल है जो इसकी प्रॉपर्टीज में है, ये देखिए यही के यही टूल है सारे के सारे। और अब यहाँ पर जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज ये वाली थी उसके बारे में बताता हूँ कि मान लीजिए आपने यहाँ से कोई एरिया इसको सिलेक्ट करना है, ये देखिए इस तरह से आपको कोई एरिया जो इसमें सिलेक्ट करना है, तो एक्चुअली आपके जो एरिया आप एक एरिया सिलेक्ट करते हो दूसरा एरिया सिलेक्ट करते हो तो ये एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया पर नहीं जाता। मेरा मतलब है कि जो मैंने रेक्टेंगल टूल में आपको समझाया था, रेक्टेंगल मार्क टूल तक समझाया था कि आपने एक सिलेक्शन किया था दूसरे को नहीं छोड़ता है। देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर मैं सिंपली इस पर क्लिक करके करता हूँ, ये देखिए इस तरह से जो इस पर जो व्यू आ रहा है वो इस पर आ जाता है। मेरा मतलब है कि आपने जब सिंपली इस सिंपल वाले पर क्लिक किया, जो पहली जो प्रॉपर्टीज थी उस पर क्लिक किया, मतलब सेफ लेयर्स पर क्लिक किया, तो सेफ लेयर्स पर क्लिक करते क्या होता है कि जो डिजाइनिंग सिलेक्ट है उसी डिजाइनिंग में आपका सिलेक्शन बनेगा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। लेकिन जब आपको सिंपली एक सिलेक्शन चाहिए, एक्चुअली इनका यूज होता है फ्रेम वगैरह बनाने के लिए, आप देखोगे कि एक ही बड़ा सारा फ्रेम होता है उसमें छोटी 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 बड़ी छोटी बड़ी तस्वीरें बनाने के लिए इस तरह से लिया जाता है यूज में। तो यहाँ पर इस तरह से डिजाइनिंग इसमें की जा सकती है, बहुत ही अच्छी फ्रेम्स बनाई जा सकती है जो कि मार्केट में काफ़ी सारी अवेलेबल है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर भी आप एक इमेज लगा सकते हैं, अब इसमें इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, वो एडवांस लेवल में बताऊँगा किस तरह से इमेज ड्रॉ करनी। वैसे सिंपल है, यदि आप बेसिक अच्छे से समझाए तो आप कर सकते हैं। इसमें एक ही प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, और जो अभी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज है वो देख लीजिए एक बार के लिए, तो अभी जो फिलहाल है वो श्योर नहीं हो रही, तो ये एडवांस लेवल में मैं जाके बता दूंगा कि क्या हो रहा है, क्यों सॉरी क्या इसका यूज होता है। यहाँ पर ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टीज पर रहने दीजिए। और यहाँ से सेकंड जो नो मैं बता देता हूँ जो है राउंडर रेक्टेंगल टूल, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए या फिर यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए राउंडर रेक्टेंगल टूल। तो राउंडर रेक्टेंगल टूल का मतलब है कि आप जो भी डिजाइनिंग करते हैं उस पर थोड़ा सा जो है राउंड डालता है। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और ये देखिए कोई भी जैसे यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करके ले लेता हूँ, कोई भी लेयर का कलर जो है इसको डिलीट कर देते हैं, काम करते हैं कंट्रोल एंड प्रेस करके न्यू फाइल ले लेते हैं, छोड़ो ना। ये देखिए यहाँ से अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे आपके सामने राउंड बनकर आ रहा है। यहाँ आप इससे राउंड को यहाँ से जो है मैनेज भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर 50 कर लेता हूँ, तो ये देखिए जैसे मैं 50 करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना राउंडेबल आ रहा है, ये देखिए कितना राउंड में आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं। उसकी स्टाइल जो डिजाइनिंग वगैरह चेंज करनी है वो सेम बेसिक प्रॉपर्टीज रहेगी जो मैंने पहले बताई थी, जो आप चेंज करना चाहते हैं इस तरह से देखिए आप इन्हें फील करके बहुत ही अच्छी जो डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप इसकी बहुत सारी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद में जो इलेस टूल है उसका बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इस तरह से गोल जो है बनाता है, सिंपली गोल आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से, देखिए इसको जोड़ता हुआ रखता है। उसके बाद में
आगे समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज आ रही है उनको बता देता हूँ। एक्चुअली प्रॉपर्टीज यदि आपने फर्स्ट जो टूल्स में बताया था मूव टूल के बाद में जो सेकंड टूल आया था रेक्टेंगल मार्क टूल, तो उसकी प्रॉपर्टीज आपने समझी है तो बहुत ही ईजी है इसको समझना। यहाँ पर है एड सिलेक्शन, आपने ये सिलेक्शन कर लिया, यदि आप इसमें इस तरह से सिलेक्शन करते हैं तो ये इसमें जोड़ता चला चलेगा, और यदि आप इस पर क्लिक करते हो तो ये इसमें से रिमूव कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने इसे ऐड किया तो आप देखेंगे इस वाले को जो है इसकी प्रॉपर्टीज को इसने रिमूव कर दिया, ये वाली जो यहाँ पर है इसको रिमूव कर दिया। देखिए अच्छे से समझिए एक बार के लिए, और ये देखिए इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज को इसने रिमूव कर दिया। इस तरह की काफ़ी फ्रेम्स, डिजाइनिंग फ्रेम्स बनती है वहाँ पर, ये काम में आता है। और इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये देखिए, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टीज है वो देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए ये वाला सिलेक्शन है, तो ये जो भी बाकी सारे सिलेक्शन है उन सभी को सिलेक्शन को है जो रिमूव कर देगी। और ये वाली प्रॉपर्टी है तो ये देखिए इसको भी करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आपके और लेयर्स है, और यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो लेयर्स में जितना पार्ट गया है दूसरे वाले जो जो डिजाइन का जो पार्ट गया है उसको रिमूव कर देगा, उसको हटा देगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऐसे बना दिया मैंने, यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें से ये पार्ट को रिमूव कर देगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये सफ्रेक्शन टूल कर रहा था। तो चलिए दोस्तों कंट्रोल एन प्रेस करके दूसरी फाइल ले लेते हैं नेक्स्ट टूल को समझने के लिए। और यहाँ से जो नेक्स्ट टूल वो हम समझेंगे पॉलीगन टूल, और इसको तो इसको कंट्रोल एल्ट जेड कर लेते हैं, और सिंपली इसको सबसे पहले जो है क्लिक करने से पहले यहाँ से जो साइड से यानी भुजाएं हैं वो कितनी हमें रखनी है वो ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं 3 रख देता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने एक त्रिभुज जो है क्रिएट करके आएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से आप एक त्रिभुज वगैरह मैथमेटिकल जो पेपर्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर 5 साइड कर देते हैं तो इस तरह से 5 जो है भुजा वाला पंचभुज जिसे आप बोलते हैं वो बनकर आ जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए आप 50 शिफ्ट करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह से जो है वृत्त बन के आ जाएगा। ये देखिए एक वृत्त आपके सामने बन के आ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, आपका हो गया कि यार 50 साइड तो 50 भुजाएं, तो एक आप काम कीजिएगा को रख लीजिएगा उसमें 50 जो है भुजाएं का एक बना कर लेंगे। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर बिंदु से बिंदु से बिंदु से बहुत सारे बिंदु बन रहे थे और बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। आपने सुना होगा वृत्त की जो है डेफिनेशन क्या होती है, यानी सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर के उसके समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं के गोलाकार पथ को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनंत बिंदुओं का जो है गोलाकार पथ बन जाता है, इस तरह से हमें वृत्त दिखाई देता है जब हम ज्यादा साइड्स पर ले लेते हैं। मान लीजिए मैं 25 लेता हूँ तो भी ये देखिए आपके सामने वृत्त बनकर आ रहा है, क्योंकि इतने सारे हमें चाहिए नहीं होते, 9, 10, 8 इतने हमें लास्ट चाहिए होती है। तो वहाँ पर देखिए 9 भुजाओं तक तो ये वर्क कर रहा है, जैसे साइड 10 पर भी ये वर्क करेगा, आप करके देख लीजिएगा। तो ज़्यादा भुजा यदि आज आपका हो सकती है तो वो वृत्त बन जाता है, क्योंकि अनंत भुजाओं के गोलाकार पथ को ही हम वृत्त करते हैं। तो थोड़े अनंत बिंदुओं के गोलाकार पथ को यदि अनंत भुजाएं होगी तो बिंदुओं भी क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तो ये तो हो गया, इसको कंट्रोल एन प्रेस करके नई फाइल ले लेते हैं और नेक्स्ट टूल को हम समझते हैं। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसकी भी सेम रहेगी, तो मैथमेटिकल कार्य में इसका बहुत यूज लिया जाता है और ग्राफिक्स डिजाइन में बहुत यूज। सेकंड हो जो है लाइन टूल, ये भी बड़ा अच्छा टूल है क्योंकि हमें ग्राफिक्स जब कार्य करते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कार्य या फिर फ्रेमिंग वगैरह कार्य करते हैं तो वहाँ पर यूज लिया जाता है, क्योंकि हमें एक्चुअली कई बार लाइन्स की जरूरत पड़ जाती है इस तरह से। तो आप ये लाइन क्रिएट कर सकते हैं, इस लाइन की जो थिकनेस है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से उसको बढ़ा लीजिए। मैं यहाँ से मान लीजिए 25 इसकी जो है, सॉरी 20 जो है इसकी मैं कर देता हूँ। और यहाँ से आप देखेंगे आपके सामने एक लाइन आ रही है, इस तरह से आ रही है, यहाँ से आप कलर जो चाहे फिल कर सकते हैं इस तरह से। देखिए सॉरी इसमें फिल नहीं हुआ, तो आप यहाँ से जो सेम डिजाइनिंग चाहते हैं वो इस तरह से डिजाइनिंग ले सकते हैं। यहाँ से आप इस कलर को जो है फिल वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से आप थोड़ी सी स्टाइल्स जो है चेंज करनी होगी तभी आपके जो कलर फील होगा। एक्चुअली कलर फील क्यों नहीं हुआ, जब आप नन पर रखते हैं तो बिल्कुल कलर फील होगा, क्योंकि नन पर कोई और डिजाइनिंग इस पर वर्क नहीं कर रही है। तो ये देखिए मैं ये ले लेता हूँ, तो इस तरह से फील होगा, जो स्टाइल जिस है वो सारी की सारी सेम प्रॉपर्टीज में चलती है। ये देखिए इस तरह से ग्राफिक्स डिजाइनिंग या फिर कार्ड डिजाइनिंग में भी ये सब यूज होते हैं, वो कैसे होते हैं वो एडवांस में समझेंगे, बेसिक अभी बता रहा हूँ वो समझिए आप। कंट्रोल एन प्रेस कीजिए नेक्स्ट टूल को समझने के लिए और न्यू फाइल ओपन कर लीजिए। यहाँ पर जो कस्टम शेप टूल है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। शेप टूल एक्चुअली यहाँ पर जो ये टूल है उसको शेप टूल ही बोला जाता है, वो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। रेक्टेंगल टूल जो है शेप टूल बोला जाता है एक्चुअली, शुरुआत में मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा बताने में कंफ्यूज हो रहा था। ये देखिए
इस तरह से आप इसके जो भी आपको चाहिए वो इसमें क्रिएट किया जा सकता है बहुत अच्छे से, मतलब एरोज वगैरह साइन वगैरह, क्योंकि ये एक बहुत ही मजेदार टूल है। अब इसकी मजेदार की खासियत क्या है वो देखते हैं, कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, मूवी मोड पर देते हैं। यहाँ पर जहाँ पर आप देखोगे सेफ, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसमें ऑटोमेटिक ही जो है बहुत सारे, देखिए बहुत सारे चिन्ह वगैरह आते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके कोई हार्ट जो है बना लेता हूँ, और इस तरह से देखिए आपके सामने एक हार्ट बनकर आ गया, बहुत ही अच्छा जो है लग रहा है। और इसकी डिजाइनिंग वो जो है हम चेंज कर सकते हैं, और इसको कैंसिल कर दीजिए एक बार के लिए, यहाँ से स्टाइल जो है आप चेंज कर दीजिए ताकि बहुत ही अच्छा जो है हमें ये क्रिएटिव होके लगे, बहुत ही अच्छा जो है दिखाई दे हमारी स्क्रीन पर। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग जो है आप इसमें दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिजाइनिंग आप इसमें दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक्चुअली वेडिंग कार्ड्स में यूज होता है बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें ग्रेडियंट वगैरह भी डाल सकते हैं। और इस तरह से देखिए आप एक बेहतरीन जो है हार्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं, फिर और डिजाइनिंग आप करना चाहिए वो डिजाइनिंग आप इसमें कर सकते हैं 3D व्यू के रूप में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए यही रहने देते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर आप यदि और सारे ऐड करना चाहते हो, वेन सेटिंग्स यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर कई कई जो न्यू वर्जनस हैं उनमें यहाँ पर थोड़ी सेटिंग्स का जो चक्रीशी है वो दिखाई देगी इसकी जगह है। तो यहाँ से आप देखिए ऐड कर लीजिए कोई भी, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है आपको ऐड करना है उसके हिसाब से आप जैसे लाइट बल्ब है वो क्लिक कर लीजिए, या फिल्म है वो क्लिक कर लीजिए, फ्रेम्स है, जैसे मैं फ्रेम्स इस पर क्लिक कर लेता हूँ और अपेंड पर क्लिक कर देता हूँ, और अपेंड पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस तरह से आपके सामने बहुत सारे डिजाइनिंग वाले फ्रेम आ गई। ये देखिए बहुत सारे आप फ्रेम जो है डिजाइनिंग डिजाइनिंग के बहुत अच्छे फ्रेम जो है क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेम आपके बना सकते हैं। यहाँ से ये देखिए जिससे मैं स्टाइल पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से जो है इसमें बहुत सारी अच्छी स्टाइल्स देने की कोशिश करता हूँ, देखिए कितनी अच्छी लगती है फ्रेम्स इस तरह से। ये देखिए बहुत ही अच्छी फ्रेम जो है लग रही है, और ये देखिए बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग के आप इसमें फ्रेम वगैरह बना सकते हैं। इसके लिए काफ़ी बहुत ही बेहतरीन टूल है ये ग्राफिक्स डिजाइन के लिए, इसका जो मैंने आज यूज बताया है। नेक्स्ट टूल के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सारे वीडियोज को जो है सीरीज वाइज देखिए अच्छे से, लेसन वाइज लेसन, तो आप पूरा जो है कोर्स सीख पाएंगे अच्छे से। और जो है मैं ये कोर्स से जो है ऑफलाइन भी करवाता हूँ, मेरे दो सेंटर चलते हैं, जो कि आप चाहे तो वहाँ पर आकर कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। एक्चुअली मैं एक तो सीकर में चलाता हूँ, और सीकर जिले के एक गांव है छोटा सा पचार, वहाँ पर एक जो है सेंटर चलाता हूँ, और एक जो है जयपुर जिले के किसी गाँव में चलाता हूँ, तो आप उनको नहीं पहचान पाएंगे अभी, काफी दूर के होंगे। तो एक्चुअली वो थेड़ा नामक एक गांव है, वहां पर मैं सेंटर चलाता हूँ, और इस तरह से मेरे दो तीन सेंटर है वहां पर भी मैं ये कोर्सेज करवाता हूँ, तो आप वहां पर भी आप अगर सीख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।